Excuse me? कहिए क्या चाहिए आपको? I am Nishchay Bodhi. I am representing Firefly Diamonds. And you? I'm Tarun Goswami. I'm the new branch manager here. Please take a seat. Thank you. आपके बैंक के साथ बहुत बिजनेस होता है हमारा. In fact, we are one of the oldest customers. Yes, मुझे बताया गया था. You are one of the leading jewelry brand in India. Yeah. बोलिए आपको कितने का एलओई चाहिए? 1000 crores. 1000 crores. That's a huge amount. Yeah. लेकिन मैं आपकी मदद कर लूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. But as I can see here, आपका कोई कोलैटरल नहीं है हमारे पास. तो आप एक काम करिए, आप 1000 crore के एसेट्स हमारे बैंक में रखवा दीजिए. And I will immediately start processing your file. गोस्वामी जी, आप कहाँ इन कायदे कानूनों के चक्र में पड़ रहे हैं? आपसे पहले जो बैंक मैनेजर थे, he was very cooperative. And उन्होंने hassle free हमारे सारे LOUs process किए हैं. And in return, we were also very cooperative. I hope you understand. I perfectly understand. मैं भी आपसे cooperate करना चाहता हूँ. मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ that there is a process. And you are aware of it. Don't teach me process. I know process. इससे पहले भी without collateral हमें LOUs मिले हैं. That's called customer service which you don't understand. Excuse me? What did you just say? मेरे पहले के ब्रांच मैनेजर्स ने आपके LOU बिना collateral के प्रोसेस किए हैं. आप मेरी बात को मत पकड़िए, आप मेरी बात समझिए. इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन. मुझे LOU चाहिए आज. आप मुझे देंगे या नहीं देंगे? आई एम सॉरी मिस्टर बोधी, मैं आपकी ये रिक्वेस्ट नहीं मान सकता. मैं आपको LOU नहीं दे सकता. लतीफ, अंदर आना. लतीफ, मुझे अपने बैंक के लोन डिपार्टमेंट के पिछले 10 साल की सारी फाइल्स चाहिए. और साथ ही साथ मुझे एक रिपोर्ट ये चाहिए कि बैंक के सेंट्रल ट्रेजरी से हमारी ब्रांच को कितने ओवरसीज लोन्स इश्यू हुए और उसमें से कितने अमाउंट ड्यू है. वो मैनेजर हमें LOU देने से मना कैसे कर सकता है? तुमने ठीक से समझाया कि नहीं उसको? समझाया था भैया, अच्छे से समझाया था, पर वो मैनेजर माना ही नहीं. कोलैटरल मांगने पड़ रहा. अरे प्रदीप भाई, आपने अभी तक इस मैनेजर के साथ डील करा क्यों नहीं की है? आपको तो पता ना काम कैसे होता है इधर. तो काम हो क्यों नहीं रहा है? आप हो ना इधर, आप क्या कर रहे हो? नीरज भाई, मैंने पता किया उसके बारे में. तरुण गोस्वामी बहुत सख्त है वो, एंड ही इज नॉट करप्ट. अरे नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए पाटिल. बोलिए ना. मैंने अपने लोन डिपार्टमेंट की पुरानी फाइल्स देखी हैं यार, कुछ तो बहुत गड़बड़ है. क्या साहब, क्या गड़बड़ है? पिछले कुछ टाइम से हमारे बैंक के लोन डिपार्टमेंट से 14,000 crore रुपए का विड्रॉल हुआ है. लेकिन ये किसको दिया है, ये क्यों दिया है, ये कहाँ खर्च हुआ है, इसका कोई अता पता नहीं. अच्छा. और तो और, LOU का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है. साहब, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. वही तो पाटिल, कहां गए होंगे ये 14,000 crore रुपए? तुम्हें कोई आइडिया होगी? सर मुझे कैसे पता होगा? लोन सैंक्शन का डिपार्टमेंट तो मुर्गन सर का है ना, वही सब डिटेल्स रखते थे. वेयर इज ही? ही इज इन बैंगलोर आफ्टर रिटायरमेंट. क्या हुआ भाई साहब, किससे मिलना है आपको? मिस्टर राम मुरुगन, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा. ऐसा कैसे खोलेगा, अंदर है ही नहीं. क्यों, कहाँ गया वो? अब हमको क्या मालूम, वो आज सुबह ही लगेज लेकर कहीं चला गया है.
सर आप क्या खोज रहे हैं? मैं यहाँ बैंक से दिए गए LOUs की फाइल रखी जाती है जिसमें उसकी कॉपीज होती है, मुझे वही चाहिए क्योंकि उसमें LOUs जिनके नाम पे दिए गए हैं उनके नेम और एड्रेसेस मुझे चाहिए। सर मैं उधर देखता हूँ। हाँ हाँ और ध्यान से देखना, एज दे से डेविल इज इन द डिटेल्स। ओके हाँ सर। सर फाइल मिल गया है, देखिए। यस यही डिटेल्स चाहिए थी, तो यही है उस आदमी का नाम जिसने पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया है। गोस्वामी इतनी रात को ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो इतनी रात को मुझे बुलाया? सर हमारे बैंक में बहुत बड़ा स्कैम हो गया सर। क्या? यस सर। आप बैठिए बैठिए। मिहिर चौकसी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। जी हाँ सर, मिहिर चौकसी द डायमंड मर्चेंट, जिन्होंने अपनी शेल कंपनीज को यूज करके हमारे बैंक से 2,000 करोड़ रुपए के LOUs लिए हैं, वो भी बिना किसी पेपर वर्क के। ये रही इसकी फोटो कॉपी सर, इसमें जितनी कंपनीज के नाम पे पेमेंट हुआ है सारी की सारी फर्जी है, सारा का सारा पैसा इन्होंने डकार लिया है सर। क्या बोलेंगे आप इस पे? ये आप ही की फाइल है ना? देखिए सिंह साहब, बात को बढ़ाकर कोई फायदा है नहीं। क्या गलत किया है मैंने? हाँ लोन ही तो लिया है। चुप रहिए आप। आपने लोन नहीं लिया है बल्कि आपने हमारे बैंक मैनेजर मुरुगन के साथ मिलकर के हमारे बैंक के साथ फ्रॉड किया है। सर हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। वी नीड टू पुट दिस मैन बिहाइंड बार सर। नो 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 नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों सर? अगर ये स्कैम के बारे में कल लोगों को बाहर पता चल जाएगा तो कल के कल बैंक हमारी डूब जाएगी सर। बट ये क्रिमिनल है सर, इसको सजा होनी चाहिए सर। इसको सजा होने से बैंक को क्या फायदा होगा? हमारे पैसे तो डूब जाएंगे ना। गोस्वामी इनसे 2,000 करोड़ के लोन के बॉन्ड्स एग्रीमेंट पे साइन कराओ ताकि 2,000 करोड़ का लोन ऑफिशियली हो जाए और इनको छोड़ दो। ओके सर। थैंक यू सिंह साहब। बॉन्ड पेपर पे साइन लो और फिर उनको जाने दो। जी सर। सर आपको एक और बात बतानी है सर। सर दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इन 2,000 करोड़ रुपए के अलावा 12,000 करोड़ रुपए मिसिंग है सर। भेंचोद ऐसा हो क्या रहा है ये? तुम्हें पता किसने किया ये? सर इन 12,000 करोड़ रुपए का ना तो कोई ट्रेस है ना कोई डॉक्यूमेंट्स है सर। एंड दैट बास्टर्ड मुरुगन इज ऑल्सो नो वे टू बी फाउंड सर। हेलो मिस्टर मुरुगन, पहुंच गए आप शांति से? हाँ सर हम कुर्ग पहुंच गया। चलिए आप ठंड के मजे लीजिए। एनीथिंग एल्स? थैंक यू वेरी मच सर कि आपने करेक्ट टाइम पर हमको बेंगलोर से निकल जाने को बोला, नहीं तो ये साला गोस्वामी का बच्चा हमको कैच कर लेता। थैंक यू, मेरा नहीं, आप पार्टी का कीजिएगा। सही टाइम पे उसने गोस्वामी की टिप दे दी थी एंड यू आर सेफ। यस सर, यस हम थैंक यू उसको भी बोलेगा सर, थैंक यू उसको भी बोलेगा। बट सर ये गोस्वामी जो रास्कल है ना, उसका ऊपर का माला थोड़ा ढीला है सर। वो जब भी किसी के पीछे पड़ता है ना तो उसको फिनिश करके छूटता है। We'll be right back.
पर काम हो गया? हाँ हो गया, ये लीजिए, इसमें सारी जानकारी है। वैसे ये मास्क क्यों लगा रखा है आपने? ताकि किसी को पता ना चले कि मैं बंबई में हूँ। कल रात आपने जिस हैकर को बैंक में मेरे पास भेजा था, इट वॉज गुड। वैसे एक बात बताइए, हमारी बैंक के सेंट्रल सर्वर को हैक करके ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालने का आइडिया आपके पास कहाँ से आया? हर क्राइम अपने पीछे कम से कम एक सबूत छोड़ता ही है। मैंने पता करवाया था, जब किसी फॉरेन बैंक में पेमेंट के लिए एलओई प्रेजेंट किया जाता है तो उसका सारा रिकॉर्ड इशुइंग बैंक के सेंट्रल सर्वर में होता है। बस वहीं से मुझे आइडिया आ गया कि अगर आपके बैंक के सेंट्रल सर्वर के पिछले 10 साल के एलओयू के रिकॉर्ड निकलवा लिए जाएं, तो इस फ्रॉड करने वाले का नाम पता मिल जाएगा। आइडिया तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन लेकिन क्या? 14,000 करोड़ के एलओयू की एंट्री मैच हो रही है ना? एंट्रीज तो मैच हो रही है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ तो बताओ किसके नाम पर सारी एंट्री? देखिए, 2,000 करोड़ मिहिर चौकसी की वी आर डायमंड्स नाम की कंपनी के साथ मैच हो रही है। ये कंपनी तो मिहिर चौकसी के नाम पर ही है। और बाकी के 12,000 करोड़? बाकी के 12,000 करोड़ का पेमेंट जो है वो बहुत स्कैटर्ड है। 6,000 करोड़ तो 3 जगह पर है, जैसे ये लूनार जेम्स, स्टर्लिंग डायमंड्स और टियारा एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनीज के साथ मैच हो रहे हैं। हाँ तो ये सारी कंपनी नीरज की है ना? नहीं है, नीरज का इन कंपनीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट हम ये पता नहीं कर पाए हैं कि ये जो 3 कंपनीज हैं ये किसके नाम पर हैं। और बाकी 6,000 करोड़? बाकी 6,000 करोड़ सिंगापुर की एक शिपिंग कंपनी के नाम पे है। ये सारी डिटेल्स देख करके ये लगता है कि नीरज ने घोटाला तो किया है, लेकिन वो 6,000 करोड़ का किया है। हाय नीरज।